वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। आप सबका स्वागत करता हूँ। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जो कि है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज ये हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 6 है। ये मैं यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का जो आवर पास्ट है, 6th क्लास का आवर पास्ट जो बुक है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। और ऑलरेडी 5 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, छठा आपके सामने है और इसे भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। पूरी बुक को बहुत जल्दी मैं कवर करने वाला हूँ इस बुक को। इसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। और यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हो या किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो आपको डेफिनेटली ये क्लासेस बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है। बिकॉज इन क्लासेस से आप सिलेबस है बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी कवर कर पाओगे। साथ में आपको नोट दे दिया जाएगा, पीडीएफ के तौर पे आपको नोट मिल जाएगा। जो भी आप क्लासेस दिखाई जा रही हैं आपके पास अवेलेबल है, उनका नोट उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। जैसे इस बुक का है, इस बुक का जैसे 10 के सारे सारे अगर चैप्टर जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे तो कम्प्लीट आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूँ, इससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल पे अभी भी नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, ये बहुत ज़रूरी है। इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन काफ़ी, यही है मेरा मोटिवेशन। एंड आपको भी नोटिफिकेशन अगर बेल आइकन प्रेस कर लोगे सब्सक्राइब करके, तो आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि ये पूरा जो बुक है इसमें एक बैकग्राउंड बनाया जाता है, इसमें भूमिका बनाई जाती है, जिसमें एक छोटा बच्चा या बच्ची कुछ इमेजिन करता है, कुछ ऐसे कंडीशन में डाला जाता है उसको, ताकि इस चैप्टर का पर्टिकुलर जो भी चैप्टर्स हैं इस बुक में उनका क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका बैकग्राउंड हमें पता चल जाए। तो इस चैप्टर में एक अनाघा एक लड़की है जो स्कूल ट्रिप पे जा रही होती है। वो ट्रेन पकड़ने जब स्टेशन पहुँचती है, जो कि पुणे से वाराणसी की वो ट्रेन होती है, तो वहाँ पर उसके साथ और भी बच्चे और टीचर होते हैं। तो मदर जो है इस लड़की का, अनाघा की जो मदर होती है, वो टीचर से कहती है कि डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा आल्सो एंड आल्सो टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। तो कहती है कि ठीक है, इनको जब आप वाराणसी ले जा रहे हैं तो बुद्धा के बारे में बताइएगा, और वहाँ पर जो सारनाथ टेम्पल है, सारनाथ जो जगह है, वो भी इनको अच्छे से दिखाइएगा। तो ये कहानी, मतलब आपको भूमिका ये बताता है कि जो नए आइडियाज आए थे, जो कि बुद्धा और महावीर लेके आए थे, इनके बारे में ये चैप्टर होगा। ठीक है, इनके बारे में ये चैप्टर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। बुद्धा की स्टोरी हम जानते हैं। बुद्धा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। लगभग जो 5वीं शताब्दी थी उसमें, BC की बात कर रहा हूँ, तब इनका वो समय था जो जब ये थिंकर बने। ठीक है, तो इनका नाम जो है, इनका थोड़ा बैकग्राउंड जान लो, इनका नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, या फिर इनको गौतम भी कहते थे, सिद्धार्थ या गौतम। बाद में ये बुद्धा बने जब इन्होंने बेसिकली जो ज्ञान था उनकी प्राप्ति करने के बाद इनको द एनलाइटेंड वन या फिर जो बुद्धा है बोला गया। ठीक है, तो इन्होंने बुद्धिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसके जन्मदाता यही हैं, सिद्धार्थ या फिर गौतम। ठीक है, तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्धा का नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन में सिद्धार्थ हो तो सिद्धार्थ लगाइए, गौतम हो तो गौतम लगाइए, या फिर दोनों है तो दोनों होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कौन सी आइडियोलॉजी दी थी, तो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी दी थी इन्होंने। इनका जन्म माना जाता है कि अगर 2021 मान ले तो अभी से 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था, मतलब लगभग 500 BC। एग्जैक्ट डेट आपको फर्दर क्लासेस जब आएंगे ना तब आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन मोटा मोटी 500 BC के आसपास इनकी जन्म हुई थी, अभी आप इतना ही जानो। एग्जैक्ट डेट भी आपको फर्दर क्लासेस में मिल जाएगा, बिकॉज ये सिक्वेंशियल मैनर में आपको पढ़ना है। छठी क्लास का पढ़ रहे हो तो इतना नॉलेज बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैपिड चेंज उस समय हो रहा था, उस समय जो सोसाइटी थी उसमें काफ़ी रैपिड चेंज हो रहा था। जैसे लाइफ जो था पीपुल का, वो भी चेंज हो रहा था। कुछ किंग जो थे महाजनपद के, वो ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, जैसे कि अपना ये मगध ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था उस समय। ठीक है, तो ऐसे ही जो कुछ किंग जो थे महाजनपद में, वो ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। एंड नई सिटीज़ भी उस समय काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी। लाइफ जो था
कंटिन्यूअसली विलेजेस में भी चेंज हो रहा था। इसको इस ये जो चेंज था सोसाइटी में, ये जो सोसाइटी में चेंज था इसको समझने की कोशिश कर रहे थे मेनी थिंकर्स, बहुत सारे थिंकर्स ऐसे थे जो इन चेंजेस को समझना चाहते थे कि ये चेंज क्यों हो रहा है, लोग क्या चाहते हैं। कई तो ऐसा चाहते थे कि पता करें कि एक्चुअल लाइफ का मीनिंग क्या होता है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या होता है। दे वेर वेरी क्यूरियस, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंकर, कि वो पता करें कि ट्रू मीनिंग जो है लाइफ का वो क्या है। ठीक है, इसी पे बुद्धा और महावीरा जो थे वो मेजर थिंकर हुए और इन्होंने लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें अपनी आइडियोलॉजी में, बुद्धा ने बुद्धिज्म में और जैना ने महावीर ने जैनिज्म में अपनी आइडियोलॉजीज बताई कि लाइफ ये है, ऐसे इसको जीना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्धा एक स्मॉल गन से बिलोंग करते थे जिसका नाम था शाक्य गण। तो ये आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि बुद्धा किस गण से बिलोंग करते थे, तो ये शाक्य गण से बिलोंग करते थे। ठीक है, शाक गण से बिलोंग करते थे, जो काफ़ी छोटा गण था। ये एक क्षत्रिय थे, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वो क्या थे। वो एक क्षत्रिय थे, ये जब यंग थे, काफ़ी यंग मैन थे, तभी इन्होंने घर छोड़ दिया पूरा कम्फर्ट। ये काफ़ी अच्छे खासे घर से बिलोंग करते थे, काफ़ी कम्फर्टेबल लाइफ जी रहे थे, लेकिन जब ये यंग थे तभी इन्होंने वो कम्फर्ट वगैरह सब छोड़ दिया। ही वॉज वेरी क्यूरियस कि मतलब रियल नॉलेज उनको मिले, एक्चुअल सच्चाई का पता चले, तो सर्च ऑफ नॉलेज में ये इन्होंने घर छोड़ दिया। एंड ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक ये घूमते रहे, कई सालों तक ये जंगल में भटके। इनफैक्ट कई सारे जो उस समय के थिंकर्स थे, अदर थिंकर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स थे, उनसे ज्ञान लेने की कोशिश की, उनसे बातचीत की, उन्होंने डिस्कशन किया, लेकिन इनको एक्चुअल ज्ञान वहाँ से नहीं मिला। फिर इनको रियलाइज हुआ कि अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा ज्ञान के लिए। सो ही रियलाइज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। ठीक है, एंड इसके बाद इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया। ही मेडिटेटेड अंडर ए पीपल ट्री। पीपल ट्री ये बोध गया में है, ये बोधि वृक्ष भी कहते हैं इसको, पीपल ट्री को। बोध गया बिहार में पड़ता है, बिहार में। आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाना, वहाँ पे पूरा बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। ये बोधि वृक्ष भी आपको देखने को मिलेगा। तो बुद्धा जब काफ़ी समय तक मेडिटेट किया इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, तो तब इनको मिलता है वहाँ पे ज्ञान। ही अटेंड इनलाइटेनमेंट ओवर देयर, एंड इसी के बाद इनको बुद्धा कहा गया। पहले तो इनका नाम सिंपल शब्दों में कहूँ तो सिद्धार्थ या गौतम था, बाद में जब इनको एनलाइटनमेंट मिला उस वृक्ष के पीछे नीचे, तब इनको कहा गया बुद्धा या फिर वाइज वन। बुद्धा को ही हम लोग बुद्धा इज इक्वल टू डबल डी लगा लेना वाइज वन। ठीक है, एंड इसके बाद ये सारनाथ गए। सारनाथ में जो कि नियर वाराणसी है, इन्होंने पहली बार वहाँ पे लेशन दिया, पहली बार वहाँ पे लेशन किया इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, ये सारी बातें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से याद भी रखनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इसके बाद का इनका जीवन जो था गौतम बुद्ध का, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज बेसिकली ट्रैवलिंग। ये पैदल पैदल ट्रैवल करते थे और मतलब भारत के कोने कोने में गए, ये लोगों को टीच किया, एंड लास्टली इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में। तो कुशीनारा ये भी एक जगह है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनारा या फिर कुशीनगर भी बोलते हैं इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे एक बेसिकली इनके रिलेटेड एक एरिया भी है जिसमें इनका इनकी बॉडी ऐसे लेटी हुई है, वो भी वहाँ पे कुशीनगर में है। कभी आपको मौका मिले, मैं तो गया हूँ, देखा हूँ, आपको मौका मिले तो आप भी देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो इनकी जो टीचिंग थी, बेसिक जो टीचिंग थी, अंडरस्टैंडिंग, वो इन्होंने कहा कि देखो, जीवन संघर्ष से भरा है, दुख से भरा है। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस एंड दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। बोला यह इसलिए दुख से भरा है क्योंकि हम लोगों को काफ़ी क्रेविंग रहती है, काफ़ी इच्छाएं हमारी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एंड विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो कि कई बार फुलफिल नहीं हो सकती है, और ये कई बार फुलफिल हो भी जाए तो अगली इच्छाएं जग जाती हैं इन्होंने कहा। और यही जो इच्छाएं, इनको थ्रस्ट या फिर तनहा कहा इन्होंने, थ्रस्ट या फिर तनहा इन इच्छाओं को इन्होंने कहा। तो सिंपल सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज थ्रस्ट और तनहा, तो उसमें ऑप्शन में आपको लगाना है, इट वॉज क्रेविंग एंड डिजायर्स। ठीक है, देन इन्होंने कहा कि ये जो तनहा है, थ्रस्ट है, इसको रिमूव किया जा सकता है बाई फॉलोइंग द मॉडरेशन इन एवरीथिंग। बोला कि हर चीज़ में मध्यम पाथ,
मध्यम पाथ, बहुत ज्यादा धन की इच्छा मत करो, बहुत ज्यादा किसी भी चीज की इच्छा मत करो, मॉडरेट पाथ अपनाओ, कम खाओ, मीडियम खाना खाओ, एकदम कम भी नहीं एकदम ज्यादा भी नहीं, मॉडरेशन होना चाहिए हर थिंग, हर चीज में, एवरीथिंग में मॉडरेशन होना चाहिए, इन्होंने कहा। ठीक है, तो मॉडरेट पाथ काफी अच्छा है, इनफैक्ट आज भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन लोगों को तो वही है, ज्यादा पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, इच्छाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है। देखो इनकी जो टीचिंग है ना, आज भी लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आज के लाइफ में भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो देखो इसके बाद पीपल टू बी काइंड, इन्होंने कहा कि लोगों को, इनकी जो प्रिंसिपल्स थी, इन्होंने जो लोगों को बोला कि आम जनता को काइंड होना चाहिए एंड इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, बाकी जितने भी लाइफ है दुनिया में उन सारे लाइफ को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, ये इन्होंने कहा। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, कॉल्ड कर्मा, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट। इन्होंने कहा कि जो हमारा एक्शन है, जो हम लोग काम करते हैं, जो कि कर्म है, कर्म आप जानते ही होंगे, कर्म आदमी का महान होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। इन्होंने कहा कि ये अच्छा करो या बुरा करो, आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा, इस लाइफ में भी और आगे भी। ठीक है, इनकी ये प्रिंसिपल्स थी, ये टीचिंग्स थी। इन्होंने जो टीचिंग्स अपनी लोगों तक पहुंचाई, जिस भाषा में ये लोगों को बताते थे अपने प्रिंसिपल्स के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी सामान्य भाषा थी, प्राकृत लैंग्वेज जिसको कहते हैं, प्रकृत लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इस भाषा में आम लोग ये भाषा फॉलो करते थे और बड़ी आसानी से ये लोग समझ जाते थे, संस्कृत के जैसा नहीं, संस्कृत बहुत कम ही लोग समझ पाते थे, लेकिन प्रकृत सब समझते थे। तो इन्होंने प्रकृत भाषा में अपने टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाया एंड थिंक फॉर themselves rather than to simply accept what he said। कहने का मतलब है, इन्होंने कहा कि देखो मेरी बातों पे blindly faith नहीं करना है। इन्होंने ये टीच कर रहे थे तो बोला इन्होंने लोगों को कि ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सारी बातें आप simply आप accept कर लो, ऐसा नहीं, आप उस पर thinking करो, आप उसको think करो, आपको अगर सही लगता है तो accept करो, otherwise मत करो। ठीक है, इन्होंने ऐसा भी कहा। So he was not in मतलब मूड की मेरी सारी बातें सही हैं ऐसा सबको मानना चाहिए, ये ऐसा इन्होंने कभी नहीं बोला। इसके बाद बात करते हैं द स्टोरी ऑफ किस गौतमी, किसा गौतमी एक कहानी है जो कि बुद्ध की जातक जो कथाएं हैं उसमें से निकाली गई है। तो मतलब बुद्ध के बारे में ये कहानी है कि बुद्ध ने कैसे एक किस गौतमी करके एक औरत थी जिसका बच्चा मर गया था, his son was died एंड वो बेचारी इतनी दुखी थी, इतनी ज़्यादा बिलख रही थी कि वो पूरे स्ट्रीट पे रोम कर रही थी, पूरे गलियों में घूम रही थी, बच्चा कंधे पे लेके सबको बोल रही थी मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, बहुत ज़्यादा दुखी थी। यही देखकर एक काइंड आदमी था, काइंड मैन था, ही टुक हर टू द बुद्धा, बुद्धा के पास लेके गया कि चलो ठीक है बुद्धा के पास सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। बुद्धा के पास जब ये गई औरत तो बुद्धा ने कहा कि बस इतनी सी बात है, ये तो बहुत आसान काम, मैं तो कर दूंगा। तो किस गौतमी काफ़ी खुश हुई, बोली कि ठीक है बताइए, बोला लेकिन एक कंडीशन, गौतम बुद्ध ने कहा एक कंडीशन है कि आप मेरे को ना मस्टर्ड सीड, जो सरसों के सीड होते हैं वो लेके आओ, किसी ऐसे घर से लेके आओ, मैं आपका यू नो चाइल्ड को जिंदा कर दूंगा। ठीक है, तो बोली कि ये तो बहुत आसान है, मैं तो जाती हूँ अभी किसी के यहाँ से मस्टर्ड सीड लेके आ जाती हूँ। लेकिन कहा इन्होंने, बुद्धा ने कहा रुको रुको रुको, अभी इतना ही नहीं है, अभी इतना ही नहीं है, एक कंडीशन और है, वो सीड जो लेके आओगी ना तुम, वो सीड जो हो लेके आओगी वो ऐसे घर से ले आना जहाँ पे उस घर के फैमिली का कोई भी बंदा आज तक नहीं मरा हो, आज तक नहीं मरा हो, ये लेके आना। किस गौतमी कही चलो ठीक है ढूंढते हैं मिल जाए कहीं, किस गौतमी जाती है ढूंढती है, काफ़ी मेहनत करती है, उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पे कोई ना कोई जरूर ना मरा हो, वहाँ पे हर घर में कोई ना कोई मरा होता है। इससे किस गौतमी को समझ में आ जाता है कि लाइफ इज नॉट परमानेंट। ठीक है, ये टीचिंग्स बेसिकली वो देना चाहते थे और उन्होंने इसके थ्रू दे दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हमने गौतम बुद्धा की थोड़ी बहुत चर्चा कर ली, जितनी बेसिक चाहिए उतनी चर्चा कर ली, आगे क्लासेस में हम और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल अब मूव करते हैं उपनिषद की तरफ, उपनिषद क्या थे। देखो ये जब समय था जब गौतम बुद्धा वगैरह थिंकिंग कर रहे थे, अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचा रहे थे, टीच कर रहे थे लोगों को, उसी समय कुछ अदर थिंकर्स भी थे, जो कि ऐसे ही जटिल सवाल, जो गौतम बुद्धा लाइफ के बारे में सोच रहे थे वैसे ही जटिल सवाल पे ये लोग भी सोच रहे थे, कुछ अदर थिंकर्स। कुछ तो सोच रहे थे कि लाइफ क्या होता है, डेथ के बाद लाइफ कैसी होती है, कुछ सोच रहे थे कि सेक्रीफाइसेस क्यों दिए जाते हैं, जो राजा सेक्रीफाइसेस करते हैं परफॉर्म किया जाता है ये क्यों किया जाता है, ऐसे सवालों का ये जवाब जानना चाहते थे ये लोग। कुछ तो ये चाहते थे कि
कुछ का ऐसा मानना था कि समथिंग देयर इज परमानेंट इन यूनिवर्स, जो जिसको हम कहते हैं आत्मा, आत्मा परमानेंट होती है, आदमी के मरने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है, ऐसा मानना, जिसको हम लोग इंडिविजुअल सोल कहते हैं, या फिर उसी को ब्राह्मण कहते हैं, या फिर उसी को यूनिवर्सल सोल भी कहते हैं। इंडिविजुअल सोल, ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल सारी एक ही चीज़ है, ठीक है। एंड इन्होंने ये भी कहा कुछ थिंकर्स ने कि बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वेर वन, ये दोनों एक ही हैं, आत्मा और ब्राह्मण एक ही हैं, ये सब मानना था इन्होंने थिंकर का। ये जो चीज़ें वो लोग सोच रहे थे ना उस समय के जो थिंकर्स थे, अदर थिंकर्स, उनको रिकॉर्ड किया गया, उनको रिकॉर्ड किया गया किसमें, उपनिषद से, उपनिषद। तो अब आपको समझ में आ गया उपनिषद क्या है, ठीक है। एंड उपनिषद का जो टाइम था, इट वॉज बेसिकली पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो लेटर वैदिक, एक तो ऋग वैदिक पीरियड था, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, उसी का पार्ट ये उपनिषद था, उसी का पार्ट ये टेक्स्ट था उपनिषद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब कि कुछ लोग जैसे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो थिंकर्स हैं, वो आपस में आके एक दूसरे के पास बैठें और डिस्कस करें चीज़ों को, उसी को उपनिषद कहते हैं, लिटरल मीनिंग इसका यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, मोस्ट उपनिषदिक जो थिंकर थे वे आर मेन, ये लोग थे, आदमी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतें बिल्कुल नहीं थी, औरतें भी थी, लेकिन जो ये मेन थे स्पेशली ब्राह्मण और राजा थे, अपर जो लोग थे, अपर स्ट्राटा के जो लोग थे, वही लोग उपनिषद के बाद थिंकर भी थे, लेकिन ओकेजनली वुमेन्स भी थिंकर थी, जैसे गार्गी, गार्गी एक एग्जांपल है, गार्गी एक महिला, ऐसी महिला थी जिसने काफ़ी सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी बड़ी थिंकर थी उस जमाने की, ठीक है। और ये रॉयल कोर्ट्स में जो डिबेट होते थे उसमें भी अपना तर्क वितर्क देने के लिए पहुँच जाती थी ये लेडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर थी गार्गी। तो गार्गी आपसे पूछा जा सकता है कि हु वॉज गार्गी, सी वॉज उपनिषदिक थिंकर, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पुअर पीपल रेयरली पार्टिसिपेट करते थे उपनिषदिक थिंकर्स के थिंकिंग प्रोसेस में, बहुत ही रेयरली ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। एक्सेप्शन एक थे सत्यकामा जवाला, सत्यकामा जवाला भी आपसे पूछा जा सकता है, ये एक गरीब गरीब व्यक्ति थे जो कि एक थिंकर बने, उपनिषदिक थिंकर ये हुए, ठीक है। ये इनका नाम जो है ना जवाला, सत्यकामा जवाला, ये जवाला टाइटल जो है इनकी मदर के नाम से आता है, इनकी मदर एक स्लेव वुमेन थी जिनका नाम था जबाली, जबाली, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जबाली, ही वाज एक्सेप्टेड बाय ए ब्राह्मण टीचर, जब ये स्टूडेंट हुआ करते थे, स्टूडेंट की तरह एक ब्राह्मण टीचर ने इनको एक्सेप्ट किया, बोला मैं तुम्हें, उनका नाम था गौतम, और गौतम ने इनको एक्सेप्ट किया और बोला कि ठीक है मैं तुम्हें टीचिंग्स दूंगा, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उपनिषदिक जो डिस्कशन में मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दूंगा, ठीक है। Many of the ideas of the Upanishads were later developed in by further a very good thinker Shankaracharya. Shankaracharya ने इन सारे उपनिषद का जो है ideas को you know further develop किया आगे चल के। तो इस इनके बारे में डिटेल में आगे के चैप्टर्स में मिल जाएगा शंकराचार्य के बारे में। फिलहाल इतना जानो कि शंकराचार्य भी इसमें काफ़ी योगदान था इनका, उपनिषद के जो थिंकिंग थे, जो आइडियाज थे, उनको आगे प्रकाष्ठा तक इन्होंने पहुँचाया, ठीक है। अब हम जानेंगे सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो जो ये इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्लोरेशन चल रहा था ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ की खोज में, उसमें जो डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग थे उन्होंने डिफरेंट स्कूल्स बनाए, जिसको सिक्स स्कूल्स में इंडियन फिलोसफी सोच वाली, इंटेलेक्चुअल सोच वाली एक्सप्लोरेशन जो चल रही थी उसको छः स्कूल में डिवाइड कर दिया गया। पहला था वैशेषिका, दूसरा था न्याया, तीसरा था सांख्य, चौथा था योग, पांचवा था पूर्व मीमांसा, एंड छठा था वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा, ठीक है। याद रखना इसमें से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है वैशेषिका किससे संबंधित था, न्याय किससे संबंधित था, या फिर इनके जो डेवलपर्स थे, इनके जो फाउंडर सेजेस थे, वो उनका नाम भी देख लो, कोनाड़ा, कोनाड़ा थे वैशेषिका के फाउंडर, गौतमा, गौतमा थे न्याया के, कपिला सांख्य के, पतंजलि योगा, देखो आज भी पतंजलि योगपीठ आप तो जानती हो, पतंजलि योगा के फाउंडर माने जाते थे, जैमिनी पूर्व मीमांसा के, और व्यासा उत्तर मीमांसा के। इनके बारे में डिटेल में फर्दर आपको मिल जाएगा, अभी बस इतना ही जानो सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी थी, इनके बारे में एक एक करके डिटेल भी बताया जाएगा। यहाँ पे छठी क्लास का मैं बुक कवर कर रहा हूँ, इतना ही नॉलेज आपको याद रखना है कि आपको ये भी कभी बताया गया था कि सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट, अब एक कहानी जानो जो कि छांदोग्य उपनिषद से ली गई है, द वाइज बेगर। द वाइज बेगर की एक कहानी है, ये बेगर की कहानी छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। दो मुनि थे, दो ऋषि मुनि थे, सेजल थे, सौनका और अभिप्रतन प्रतरन, ठीक है, सौनका और अभिप्रतरनिन, मतलब जैसे आप प्रोनाउंस कर लो इस इनको, ठीक है। ये दो सेजेस थे, ये दो सेजेस वर्शिप करते थे यूनिवर्सल सोल को, यूनिवर्सल सोल को ये लोग वर्शिप करते थे। एक बार ये खाना खाने के लिए बैठे, तभी एक बेगर आ गया इनके सामने, एक बेगर आ गया और इन्होंने कहा कि थोड़ा सा फूड मुझे भी दे दो। बेगर ने कहा मुझे भी थोड़ा सा खाना चाहिए, मुझे दे दो प्लीज, मैं भूखा हूँ, ऐसा बेगर ने रिक्वेस्ट किया। बट इन ऋषियों ने कहा कि नहीं, वी कैनॉट स्पेयर, सौनखा ने स्पेशली कहा कि हम तुम्हें नहीं दे सकते खाना। और इसके बाद उस बेगर ने कहा कि लर्न सर, पढ़े लिखे लोगों, आप को रिस्पेक्टिव, आप किन की पूजा करते हो? बेगर ने पूछा इनसे। बेगर को लगा कि ये नहीं दे रहे हैं तो इनको लॉजिक देता हूँ, लॉजिक समझ में आ जाए तो शायद खाना शेयर करते। तो इन्होंने, इन मुनियों ने रिप्लाई किया कि यूनिवर्सल सोल की हम लोग पूजा करते हैं। स्पेशली ये दूसरे वाले मुनि अभी प्रतरिन ने रिप्लाई किया कि यूनिवर्सल सोल की हम लोग पूजा करते हैं। तो इस बेगर ने कहा ठीक है, तो यूनिवर्सल सोल तो आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सल सोल फिल करता है एंटायर वर्ल्ड को। तो मुनियों ने कहा हाँ करता है, तो फिर वो मुझे भी फिल कर रहा है, ठीक है। इस बेगर की चलाखी देखो, बेगर ने कहा यूनिवर्सल सोल आप लोगों को तो पता ही है कि एंटायर वर्ल्ड को फिल करता है, तो ये मेरे अंदर भी तो है, मेरे अंदर भी तो है, मुझे भी तो फील कर रहा है। तो जब आप यूनिवर्सल सोल की ही पूजा करते हो तो अल्टीमेटली मैं भी तो यूनिवर्स का ही पार्ट हूँ, तो मुझे भी तो खाना दे सकते हो, मुझे मना क्यों किया? बाद में मुनियों को रियलाइज हुआ कि ही वॉज राइट एंड दे शेयर द फूड विद हिम। तो ये एक छोटी सी कहानी इस बेगर की, ये जस्ट आपको मतलब छांदोग्य उपनिषद के बारे में, कि उपनिषद में ये सब भी कहानियाँ लिखी गई हैं, ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, पाणिनि। उसी दौर में यही वो समय था जब एक उस समय ग्रामेरियन पाणिनि का दौर था। ये पाणिनि जब भी शब्द आए तो ग्रामर से उनको रिलेट करना, इन्होंने ग्रामर तैयार किया था संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए ग्रामर इन्होंने तैयार किया था। ही अरेंज द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ए स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर में इन्होंने इनको अरेंज किया एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बनाया इन सारे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स से, लाइक दोज फाउंड इन द अलजेब्रा, अलजेब्रा में जैसे फॉर्मूला होता है ना, वैसा फॉर्मूला बनाया एक ग्रामर तैयार करने का इन्होंने प्रोसेस किया था। एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन्होंने तैयार किया इसी फॉर्मूले के द्वारा, शॉर्ट फॉर्मूले के द्वारा, अराउंड 3000 ऑफ देम यूज करके, ऐसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट 3000 यूज करके इन्होंने ग्रामर बनाया संस्कृत के लिए। सिंपल शब्द, सौ बात की एक बात, ये ग्रामेरियन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैनिज्म। अब हमने बौद्ध और उपनिषद वगैरह से चर्चा कर लिया, अब हम बात करते हैं जैनिज्म की। जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर जो थे, देखो जैनिज्म में तीर्थंकर हुआ करते थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे ऐसे करके एक पोस्ट था इनका तीर्थंकर का। तो इसमें जो चौथे थे वो थे वर्धमान महावीर, जिन्होंने जैनिज्म को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया, वर्धमान महावीर याद कर लेना, ठीक है। ये 2500 ईस्वी के आसपास ही ये दौर था, ये भी गौतम बुद्ध वाला जो पीरियड था उसी के आसपास, ये भी इनका भी वर्धमान महावीर का भी दौर था। ये भी एक क्षत्रिय थे, ये प्रिंस थे लिच्छवी गणराज्य का, लिच्छवी गणराज्य जो कि ग्रुप था बज्जी संघ का, बज्जी संघ का ये ग्रुप था और इसी के ये प्रिंस थे, राजकुमार थे लिच्छवी गणराज्य के। लेकिन इनको भी वही ये आंसर ढूंढना था कि लाइफ है क्या। तो इन्होंने 30 के एज में लेफ्ट द होम फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में चले गए और वहाँ पे इन्होंने 12 साल की कठिन हार्ड एंड लोनली तपस्या की और वहाँ पे इन्होंने अटेंड किया इनलाइटनमेंट। 42 की उम्र में इनको इंटेलमेंट मिली, याद कर लेना, बिकॉज 12 साल तो इन्होंने जंगल में ही बिता दिया ना, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने बड़े ही सिंपल डॉक्ट्रिन्स बनाए। इन्होंने कहा कि मेन और वुमेन जो विश्ड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर हाउस। इन्होंने कहा पहला कंडीशन, अगर आप जानकारी, सच की जानकारी चाहते हो तो सबसे पहले आपको घर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी आदमी या औरत जो सच की जानकारी जानना चाहता है उसको घर छोड़ना पड़ेगा, इनका ये सिंपल डॉक्ट्रिन था। दूसरा इन्होंने बोला फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, साथ में आपको अहिंसा का रूल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अहिंसा के बाद तो इन्होंने ये भी कहा कि
आप चलते समय भी आप कई सारे आपको झाड़ू लगा के चलना पड़ेगा ताकि कीड़े मकोड़े ना मर जाए, है ना। तो बोला कि किसी को नहीं मारना है, अहिंसा जानवरों को कीड़े मकोड़ों तक को भी नहीं मारना। इन्होंने एक और बात कही कि टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, लाइफ सबके लिए डियर है और किसी की जान हम ले नहीं सकते। दे यूज प्रकृत, इन्होंने भी प्रकृत लैंग्वेज यूज किया जो कि काफी सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज था, आम जनता इसको यूज करती थी। प्रकृत वॉज स्पोकन इन मगधा एंड ऑल्सो नोन एज मगधी। तो प्रकृत देखो, प्रकृत की ऐसी भाषा थी जो कि डिफरेंट, वो डिपेंड करती थी किस जगह पे बोली जा रही है। मान लो मगध में बोली जा रही है तो वहीं पे वो प्रकृत जो लैंग्वेज थी उसको मगधी कहते थे, अगर किसी और जगह पे बोली जाती थी तो उस जगह के हिसाब से उसका नाम चेंज कर लेते, ठीक है। प्रकृत के बारे में छोटी सी जानकारी आपको मैंने ये दी। उसके अलावा देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कहता है कि फॉलोअर्स ऑफ महावीरा जैना, जैना के नाम से जाने गए, जो फॉलोअर थे महावीर के उनको जैन बोला गया, जैनस, ठीक है। वो सिंपल लाइफ उनको जीना था, उनको खाने के लिए बेग करना था। वो क्या है, सुबह से लेकर कटोरा लेके भीख मांगते थे और जो भी खाना मिलता था उसके वो खाते थे, और इसके एवज में ये लोगों को टीचिंग्स देते थे। हमें टीचिंग्स मतलब ऐसा नहीं कि खाली भीख मांग के खा रहे हैं, ऐसा नहीं, टीचिंग्स देते थे, बदले में लोग इनको फूड वगैरह देते थे। एंड दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलना, काफी ईमानदार रहना, ईमानदार रहना, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी। ऑल्सो ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, सेलिबेसी क्या होती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि मैं भी एक सेलिब्रेट हूँ, खैर आप मुझे बताना कमेंट करके सेलिब्रेट मतलब क्या होता है। इनको सेलिबेसी ऑब्जर्व करनी होती थी। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, बोला कि आदमी को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अपना क्लॉथ भी। तो इसमें नंगे रहते थे। एक मैं दो चीज बता देता हूँ, एक तो थे श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, लेकिन जो दिगंबर थे वो बिल्कुल न्यूड घूमते थे। आज भी दिगंबर को जो लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल न्यूड घूमते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जैना के बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी देख लो। जैना को ही जीना कहते हैं, जीना, जीना मतलब कंकरर होता है। जैन को, जैन एक ऐसा शब्द है जो कि जिन से बना है, जिन मतलब होता है कंकरर, कंकरर, ठीक है। ये भी आपसे सिंपल सवाल ये सब पूछे जा सकते हैं, सिंपल सिंपल चीजें आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट डज जैना मीन, जैना मीन्स जीना और कंकरर, ठीक है। और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये जैन का जो आइडियोलॉजी था, जैनिज्म जो बेसिकली आइडियोलॉजी है, उसको फॉलो करना काफी डिफिकल्ट था। रीजन बींग काफी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, फिर भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल लेफ्ट देयर होम्स, बहुत सारे कई हजार लोग घर छोड़ा लोगों ने और इसको फॉलो किया। मेनी मोर रिमेंड बिहाइंड द सपोर्ट एज सपोर्टर, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग जो एक्चुअल जैनिज्म को फॉलो नहीं कर पा रहे थे वो, ठीक है, घर पे रहे और सपोर्ट किया इनको बाई प्रोविजनिंग ऑफ फूड, क्लॉथ, एक्सेट्रा, ठीक है। मॉन्ग्स एंड नन्स, जो कि इनके जो फॉलोअर थे उनको मॉन्ग्स एंड नन कहा गया। एंड बेसिकली जो लोग जो इन बिहाइंड जो जैनिज्म को डायरेक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे थे वो इनको खाना पीना पहुंचाते थे। एंड जैनिज्म मेनली सपोर्ट किया किसने जैनिज्म को, तो ट्रेडर्स ने मेनली सपोर्ट किया, ठीक है, जैनिज्म को। रीजन बींग कि ट्रेडर्स को आसान पड़ता था, लेकिन फार्मर्स नहीं सपोर्ट कर पाए, बिकॉज फार्मर्स को क्या था, खेती करनी थी, खेती करने में कीड़े मकोड़े मरते थे, और साथ में जो मान लो कि खेतों में जो फसल है उस पर कीड़े लगे उनको भी मारना होता था फार्मर्स को। तो फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल था ये वाला रूल फॉलो करना कि किसी की भी जान नहीं लेनी है। तो फार्मर्स कई सारे नहीं जुड़ पाए जैन से, लेकिन ट्रेडर्स को कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रेडर्स जुड़ गए, ठीक है। एंड बेसिकली फार्मर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दीज रूल्स। ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया टू गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में ये फैला, खूब फैला नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कई सालों में, कई सौ सालों तक ये फैलता रहा। एंड जो इनकी टीचिंग्स थी महावीर की, उसको बाद में लिखा गया है, बाद में इसको लिखा गया है अराउंड 1500 ईयर्स अगो, आज से 1500 साल पहले इसको लिखा गया, और आज की डेट में इसको रखा गया है बल्लभी में, बल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है। कभी मौका मिले तो जाना, सब सारी चीज़ें अगर मौका मिलती है तो देख लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, संघा क्या है। संघा काफ़ी इंपॉर्टेंट उस समय का जगह था। बोथ महावीर और बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन द ट्रू नॉलेज। तो देखो, दोनों महावीर भी और बुद्ध भी दोनों ऐसे मानते थे कि वही लोग एक्चुअल ट्रूथ का नॉलेज पा पाएंगे जो घर छोड़ेंगे। तो घर छोड़ेंगे तो रहेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। तो बोला इनके लिए एक एसोसिएशन बनाओ, एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स,
वो लोग जो कि घर छोड़ के आए हैं, उनका एक समूह होगा, एसोसिएशन होगा, उसको संघ कहा गया, संघ संघ कहा गया, ठीक है। तो घर नहीं, एक्चुअली एसोसिएशन है ये, एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू ज्वाइन दीज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, उनको संघ कहा गया, संघ, ठीक है, संघ समझ में आया। देन आता है रूल्स, रूल्स जो था संघ का, काफी यू नो लिखित तौर पे रूल्स थे इसके, संघ के, जिसको विनय पिटक, विनय पिटक एक बुक है जो कि संघ के रूल्स के बारे में है, संघ के रूल्स है। तो विनय पिटक याद कर लेना, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिनव अभिधम पिटक, ये तीन पिटक हैं। अभी फिलहाल विनय पिटक के बारे में जानो, ठीक है। विनय पिटक जोड़ना रूल्स ऑफ संघ, रूल्स ऑफ संघ विनय पिटक, ठीक है, सिंपल शब्दों में। तो इसके रूल्स जैसे कुछ, ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, सारे मैन ज्वाइन कर सकते थे, इसी में लिखा गया है विनय पिटक में। लेकिन जो चिल्ड्रेन है, अगर उनको ज्वाइन करना है तो उनको अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना होगा, लेना पड़ता था, ठीक है, बिकॉज चिल्ड्रेन है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट के अंदर है तो परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। स्लेव को भी लेना पड़ता था परमिशन मास्टर्स का, अपने अपने मालिकों का। डेप्टर्स अगर कोई है तो क्रेडिटर का अपना परमिशन लेके आएगा, तभी उसको संघ का मेंबर बनाया जाएगा। वुमेन को भी यू नो अपने हस्बैंड का परमिशन लेना पड़ता था। भिक्षुस, भिक्षुनी वगैरह ये सब हुआ करते थे, ये लोग जो संघ में आए वो उनको भिक्षु और भिक्षुनी कहा गया, ठीक है। संघ में जो भी लोग जुड़े उनको भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, ये लोगों को पढ़ाया इन्होंने और एक दूसरे की मदद भी की है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनास्ट्रीज क्या है? मोनास्ट्रीज, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये लोग का काम ही यही था, ये घूमते थे एक जगह से दूसरे जगह जाके टीचिंग्स अपनी फैलाते थे, ताकि इससे इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से लोगों को जोड़ा जाए, जैनिज्म से जोड़ा जाए, बुद्धिज्म से जोड़ा जाए। तो ये प्रोसेस था, ये जाते थे, घूमते थे। तो घूमते समय कई बार ऐसा होता था कि इनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था, रेनी सीजन में, रेनी सीजन जब होता था तो उसमें रुकना पड़ता था इनको। मान लो नॉर्मल टाइम में तो ये घूमते घूमते अपना टीचिंग्स फैला रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रेनी सीजन में कई बार इनको रुकना पड़ता था। तो लोगों ने, बाकी जो लोग थे उनको सहानुभूति दिखाई कि भाई ये लोग रेनी सीजन में भीगते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो सपोर्टर्स थे, दे बिल्ड टेम्पोररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स, टेम्पोररी शेल्टर्स गार्डन में बनाना शुरू किया, वहाँ पर रुकना ये लोग शुरू किए। और धीरे धीरे कई सारे ऐसा देखा गया, नेचुरल केव्स जो थे हिली एरिया में, इसको ऑक्यूपाई किया इन्होंने, इन बौद्ध धर्म के या फिर जैन धर्म के मॉन्क्स ने इनको ऑक्यूपाई किया। इतना ही नहीं, बाद में इन्हीं को लगा, इन जैन और बौद्ध के जो मॉन्क थे इनको लगा कि यार कहीं ना कहीं हमें मोर परमानेंट शेल्टर्स चाहिए। सो मोनास्ट्रीज वेयर बिल्ट। अब देखो ये कहानी है कि मतलब रेनी सीजन में घूमते थे, पहले शेल्टर लोगों ने बनाया, फिर धीरे धीरे नेचुरल केव्स में भी ये लोग रहना शुरू किए, बाद में इन्हीं को लगा कि नहीं हमें परमानेंट और शेल्टर चाहिए, तो उन्होंने धीरे धीरे मोनास्ट्री बनानी शुरू की। इन्हीं मोनास्ट्री को बिहारा कहा गया, बिहारा। तो बिहारा क्या थे? मोनास्ट्री थे। आपको क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा बिहारा क्या थे, बिहारा मोनास्ट्री थे। दे वर मेड ऑफ वुड, समटाइम समटाइम ब्रिक्स के भी बने, और कुछ तो केव्स के अंदर बने, केव्स को डग आउट करके बिहारा या फिर मोनास्ट्री बनाया गया, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में खूब मिलता है, ठीक है, अजंता केव वगैरह सब में खूब मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब आर्टन कल्चर पढ़ोगे सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, डोंट वरी, फिलहाल इतना ही बेसिक नॉलेज जानो। तो लैंड बिहारा के लिए कौन देता था? इट वॉज डोनेटेड बाई द रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और द किंग या फिर बुद्धिस्ट, जो भी ऐसे लोग थे जो अमीर थे, मर्चेंट थे, लैंड ओनर थे, किंग थे, उन्होंने इन बिहारा को बनाने के लिए लैंड तो चाहिए, तो लैंड इन्होंने प्रोवाइड किया। बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। बुद्धिज्म खाली भारत के ही नहीं, खाली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, ये विदेशों तक फैला, ये विदेशों तक गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फर्दर क्लासेस में अगेन आपको डिटेल में मिलेगा पढ़ने को। द सिस्टम ऑफ आश्रम, आश्रम का जो सिस्टम था वो क्या था? अब देखो, एक तरफ तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म फैल रहा था, साथ में उसी दौरान सिस्टम ऑफ आश्रम फैला रहे थे ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स थे वो डेवलप कर रहे थे आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम को आज के डेट के आश्रम के हिसाब से मत जानो कि मतलब एक यू नो जो टीचिंग्स फैलाते हैं वो लोग रहते हैं, आश्रम को एक घर की तरह मत मानना, ये आश्रम डिफरेंट आश्रम है। ये आश्रम बेसिकली स्टेजेस ऑफ लाइफ को कहा जाता है, आगे और इसके बारे में डिटेल में देखो। चार आश्रम इन ब्राह्मणों ने बताया कि चार आश्रम होते हैं एक जीवन में, उसको इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और सन्यासी जीवन, ये चार आश्रम इन्होंने कहा।
ब्राह्मण को इन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और वैश्या को कहा कि जो ब्राह्मण लोग होंगे, जो क्षत्रिय लोग होंगे, जो वैश्य लोग होंगे, दे वेयर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी वेदाज, जब ये ब्रह्मचर्य पीरियड में, मतलब अर्ली एज में होंगे, अपने बचपन से अर्ली एज तक जब होंगे तो ये ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे और इस ब्रह्मचर्य जीवन में इनका यही काम होगा कि ये वेदों को पढ़ेंगे। तो ये ब्रह्मचर्य आपको समझ में आया। फिर बोला कि इनकी शादी हो जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद एक हाउस होल्डर की जिंदगी जिएंगे जिसको गृहस्थ जीवन कहा जाता है, गृहस्थ जीवन, ठीक है। देन बोला कि इसके बाद दे हैड टू गो टू फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, फॉरेस्ट में जाके मेडिटेट करेंगे, इसको वनप्रस्थ जीवन, वन में रहने का जीवन, ठीक है। इसके बाद बोला लास्ट में जब ये अधेड़ हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो इनको सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाना होगा, सब कुछ छोड़ के सन्यासी जीवन जीना पड़ेगा। तो ये चार स्टेजेस आपको पता चला, आश्रम, सिस्टम ऑफ आश्रम जो कि ब्राह्मणों ने डेवलप किया था, ठीक है। एल्सवेयर क्या होता है, अब चैप्टर हम लोग समापन की तरफ आ गए हैं। तो हम जानते हैं कि उसी दौरान 2500 साल पहले आज से बाहर क्या हो रहा था, एल्सवेयर क्या चल रहा था। तो ईरान, ईरान जो है वो हमारा पड़ोसी देश ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। ईरान में जोरोस्टर नाम का एक ईरानियन प्रोफेट हुआ करता था, जोरोस्टर, इनका काफ़ी फेमस है ये, आज भी कई सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। हिज टीचिंग्स आर कंटेंट इन ए बुक कॉल्ड अवेस्ता, जिसको हम लोग जेंद अवेस्ता भी कहते हैं, जेंद अवेस्ता। इनकी जो टीचिंग थी जोरोस्टर की, उनकी टीचिंग को एक बुक में कंपाइल किया गया, कंटेन किया गया, उसको कहते हैं अवेस्ता। अवेस्ता में जो बेसिक जो चीज़ है वो बताई गई है, मैक्सिम गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। तो बोला कि अच्छी सोच रखो, अच्छे काम करो, अच्छी बातें बोलो, इसी का, इसी के प्रिंसिपल पे बहुत सारी बातें जैन अवेस्ता में लिखी गई हैं। तो फॉर मोर देन 1000 ईयर्स जोरोस्ट्रियनिज्म वाज द मेजर रिलीजन इन ईरान। तो जोरोस्टर का जो आइडियोलॉजी था, जिसको जोरोस्ट्रियनिज्म कहते हैं, वो ईरान में कई सालों तक एज ए रिलीजन रहा। लेटर कुछ जो जोरोस्ट्रियंस थे वो माइग्रेट करके ईरान से सेटल हुए हमारे कोस्टल टाउन्स गुजरात में और महाराष्ट्र में, और वो बाद में हमारे जो आज के पारसी हैं उनके एंसेस्टर बने। तो थोड़ा हिस्ट्री से जोड़ो, जो आज भी गुजरात या महाराष्ट्र में जो पारसी लोग रहते हैं उनके एंसेस्टर जो थे वो जोरोस्ट्रियनिज्म से, जोरोस्ट्रियन थे, वो बेसिकली ईरान से माइग्रेट होकर इधर आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अब देख लो पिक्चर। तो ये जो पिक्चर है ये सारनाथ की पिक्चर, सारनाथ की पिक्चर है ये, ठीक है, सारनाथ की, ये देख लो। इसके अलावा ये जो नेचुरल केव्स, नेचुरल केव्स जो कि बिहारा के तौर पे यूज किया जाता था, बिहारा, ठीक है, या फिर मोनास्ट्री जिसको कहते हैं, वो देख लो, ये वेस्टर्न इंडिया में कहीं पे पाया गया है। इसके बारे में डिटेल में आपको फर्दर जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा या फिर फर्दर की जो बुक्स पढ़ाई जाएंगी आगे के क्लासेस की, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।